हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट कब क्या झटका दे देगा पता नहीं, कब कौन से शो की पोजीशन डाउन हो जाएगी पता नहीं चलेगा। लेकिन टीआरपी ही डिसाइड करती है कि आपके शो को कितना पसंद किया जा रहा है। और अगर टीआरपी ना आए तो फिर तो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर सब अपनी ही चलाएंगे, फिर चाहे फैंस को देखना है या नहीं देखना है। चलिए, रिजल्ट हर वीकली डिक्लेयर हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो है भैया प्रोड्यूसर डायरेक्टर की भी एक तरह से क्लास लगी रहती है कि जनता के दिल तक कौन सी कहानी पहुंच जाए जो वो कहें वाह, और बस हमारी टीआरपी मजबूत बनी रहे। ऐसे ही मैं बात करने वाली हूँ आपके दो शो की, अनुपमा एंड झनक। इन दिनों अनुपमा और झनक की चर्चाएं हर जगह हो रही है और स्पेशली आईपीएल का प्रेशर भी पड़ा हुआ है, तो ऐसे में चैनल ने भी कह दिया भैया टीआरपी आपकी डाउन नहीं होनी चाहिए। अब उसके लिए चाहे आप साम दान दंड भेद कुछ भी कर लीजिए। अगर आप अनुपमा शुरू से देख रहे हैं तो आपको पता होगा अनुपमा की फर्स्ट टीआरपी 1.6 आई थी और फिर जो है कुछ ही महीनों में अनुपमा 3+ तक पहुंच गया था। वैसे ही सेम झनक के साथ हो रहा है। झनक की भी ओपनिंग टीआरपी 1.6 निकल कर आई थी और कुछ ही महीनों में जो है उसने 2+ टीआरपी कर लिया है, या ये कहे कि अनुपमा के बिल्कुल बराबर में खड़ा है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि झनक अब अनुपमा को धमकी देने के लिए तैयार हो गया है टीआरपी के मामले में। ऐसे में अनुपमा में भी काफ़ी क्रेज़ की स्टोरी चल रही है, लेकिन ज़्यादा बेहतरीन जो स्टोरी सबको पसंद आ रही है वो झनक की है। कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में झनक जो है नंबर 1 शो होगा, अनुपमा को बीट कर जाएगा। ऐसे में सिर्फ जो है 3 पॉइंट पीछे ही है अनुपमा से कल की डेट की टीआरपी से। तो ऐसे में अनुपमा भी पूरी कोशिश कर रहा है कि नंबर 1 की पोजीशन कोई छीन ना सके। लेकिन अब कहा जा रहा है कि झनक पूरा तैयार हो चुका है, क्योंकि अनिरुद्ध की शादी का सच सामने आ गया है। अब झनक को कौन सपोर्ट करेगा, क्योंकि अनिरुद्ध के दिल में भले ही झनक है लेकिन जुबा पे तो अर्शी ही है। ऐसे में क्या तेजस ही उसकी ज़िंदगी का सफ़र बदलेगा या फिर जो है झनक खुद अपनी किस्मत बदलेगी? तो ऐसे में जो है फ़िलहाल झनक के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं कि आने वाले टाइम में झनक नंबर 1 की पोजीशन पे होगा। तो ऐसे में आपको बता दें कि इन दोनों में आने वाले टाइम में बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन होने वाला है। तो इनमें से आपका फेवरेट शो कौन सा है या किस किस स्टोरी आपको अच्छी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।